Next question is, show that determinant of a plus b plus 2c, a, b, c, b plus c plus 2a, b, c, a plus 2b is equals to 2 into a plus b plus c whole cube. तो हम लोग को ये show करना है, जबकि हम लोग को इसमें क्या चाहिए, 2 चाहिए. तो पहले मैं 2 बाहर निकालूंगी. 2 कैसे बाहर निकालूंगी, चलिए हम लोग try करते हैं. आप एक बार आप भी try करिए pause करके, and then you see the solution. Given remainder is, अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं row wise भी अगर मैं add करी, तो मुझे c plus c 2c आएगा, यहाँ 2c से add up होके वो 4c आएगा, जो कि मुझे 4 तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 चाहिए. तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं row transformation तो apply करने पर मुझे 2 नहीं आएगा. अब मुझे देखिए 2c दिया हुआ है, यहाँ पे b है a है, मुझे a और b और ऐड करना है, तो ही मुझे यहाँ पे 2 कॉमन निकालने पर a plus b plus c बचेगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे रो वाइज तो नहीं हो रहा है, कॉलम वाइज होता है क्या, देखिए यहाँ पे a है, हाँ मैं ये वाला a यहाँ पे ऐड कर देती हूँ और ये भी यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कॉलम वन को, तो मुझे क्या आएगा, a plus a 2a, b plus b 2b और 2c तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो सारे टर्म्स मुझे आ गए हैं. इंस्टेड ऑफ एडिंग द रोज आई विल यूज कॉलम्स, क्यों, मुझे कॉलम से आंसर मिल रहा है तो इसीलिए मैं कॉलम्स का ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगी, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को जो प्रूफ करना है वही अकॉर्डिंगली मैनिपुलेशंस करेंगे, मैं बताई ना आपको, ठीक है ना. तो देखिए कॉलम वन चेंजेस टू कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, तो कॉलम टू कॉलम थ्री चेंज हो रहा है, नहीं, तो हम लोग कॉलम टू और कॉलम थ्री वैसे ही लिख देंगे ए बी प्लस सी प्लस टू ए ए, और व्हाट इज कॉलम बी, कॉलम थ्री, व्हाट इज कॉलम वन, कॉलम वन इज ए प्लस बी प्लस टू सी सी, व्हाट इज कॉलम टू, ए बी प्लस प्लस टू ए, नेक्स्ट कॉलम थ्री क्या है, बी बी सी प्लस ए प्लस टू बी, सारी चीजें क्या हो रही है, एड हो रही है, तो साइन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, ठीक है. तो ए प्लस ए प्लस बी प्लस बी, ये तो ए प्लस ए था, ये बी प्लस बी इज टू बी, उसी तो वैसे ही रहेगा, सी प्लस सी उसी, बी प्लस बी टू बी प्लस टू ए वैसे ही रहेगा, सी प्लस सी उसी प्लस ए प्लस ए टू ए प्लस टू बी वैसे ही रहेगा, ठीक है. तो हम ये सारे वैल्यूज यहाँ पे लिख लेंगे और मैं टू कॉमन निकालते हुए लिखूंगी, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है. यहाँ से मैं टू कॉमन निकाल रही हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा ना, यहाँ पे भी मैं टू कॉमन निकालूंगी तो क्या मुझे बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से भी टू कॉमन निकालने पर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी, टू इंटू ए प्लस बी प्लस एंड नेक्स्ट टू इंटू ए प्लस बी प्लस. तो मैं अब क्या करती हूँ, ये a प्लस बी प्लस सी और ये 2 दोनों को बाहर लेती हूँ, तो मुझे यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले रही हूँ, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को बाहर ले रही हूँ मैं, तो मुझे क्या बचेगा, 1 1 1 a b प्लस सी प्लस 2a b a b प्लस a प्लस 2b, ठीक है, हम लोग को ये आया. अब हम लोग को क्या चाहिए, एक और a प्लस बी प्लस सी चाहिए, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये टर्म को हम क्या करेंगे, जीरो बना देंगे. कैसे जीरो बनाएंगे, वन जीरो जीरो, इसको हम क्या करेंगे, वन जीरो जीरो बना देंगे. अब देखिए, अब मुझे और एक और a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा, आएगा क्या, यहाँ पे ऐड करने पर मुझे रो वाइज ऐड करने पर तो नहीं आएगा, और यहाँ पे भी रो वाइज ऐड करूंगी तो मुझे टू बी प्लस टू बी फोर बी आएगा, तो इट इज़ नो यूज़ कि अब मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकती हूँ. बस मुझे क्या करना चाहिए, वन वन को मुझे क्या करना है, वन जीरो जीरो बनाना है. तो इसको हम वन जीरो जीरो कैसे बनाएंगे, ऐसे ऐड करने पर मुझे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी है और यहाँ पे टू ए है, टू ए में से मगर एक ए अगर सब्ट्रैक्ट कर लूँगी तो मुझे ए आएगा ना, टू ए में से टू ए माइनस ए विल गिव मी ए, ठीक है. तो यहाँ पे मैं ये वन को जीरो बनाने के लिए मैं कौन सी रो यूज करूंगी, आर थ्री. क्यों आर थ्री यूज करूंगी, क्योंकि मेरा यहाँ पे बी प्लस सी प्लस टू ए जो है वो क्या बन जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए बन जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए आप बी है तो मैं जब ये सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास माइनस टू बी रहेगा, माइनस टू बी प्लस टू बी विल गिव मी माइनस बी, और ये टर्म्स ही माइनस के साथ रहेंगे, तो मैं माइनस कॉमन निकाल सकती हूँ ना. देखिए मैं बताती हूँ यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्यों मैं ये कर रही हूँ. इसको जीरो बनाएंगे, इसको वन जीरो जीरो बनाएंगे, बोली ना मैं आपको, तो इसको जीरो बनाने के लिए हम आर वन नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, आर थ्री यूज करके करेंगे. क्यों, क्योंकि b प्लस सी प्लस टू ए में से मैं अगर a सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, b प्लस सी प्लस
2 माइनस एस ए, तो बी प्लस सी प्लस ए मिलेगा। आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी तो ए है ना, इसको भी तो सप्रैक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे बी है, तो बी माइनस बी विल गिव मी जीरो। लेकिन अगर मैं आर थ्री यूज करती हूँ तो मुझे ये वाला ए से तो ये यूज आ गया है। अब ये वाला टर्म देखिए, बी माइनस ऑफ सी प्लस ए प्लस टू बी है, तो बी माइनस अगर इससे एक्सपैंड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, बी माइनस सी माइनस ए माइनस टू बी। तो यहाँ पे देखिए माइनस टू बी प्लस बी विल गिव मी माइनस बी ना, तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी आया। अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। तो यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है ना मुझे, तो इसलिए हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेंगे। तो अब हम जो है ना क्या करेंगे, आर इसको जीरो बनाएंगे। कैसे जीरो बनाएंगे, आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस आर थ्री। आपको बस ध्यान से ये ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारे आंसर हम लोग को जो रिक्वायर्ड प्रूफ करना है वो हम लोग को मैच होना चाहिए, ठीक है। तो आर वन चेंज हुआ है, नहीं तो वो वैसे ही रहेगा वन ए बी, और फिर आर टू चेंज हुआ है, आर थ्री नहीं चेंज हुआ है, हम आर थ्री भी वैसे ही लिख देंगे वन ए सी प्लस ए प्लस टू बी, ठीक है। आर टू क्या है हम लोग का, वॉट ये रफ में ले लीजिए, वॉट इज आर टू, आर टू इज वन बी प्लस सी प्लस टू ए एंड बी, वॉट इज आर थ्री वन ए सी प्लस ए प्लस बी, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, 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 वन माइनस वन जीरो, बी वैसे ही रहेगा, प्लस सी वैसे ही रहेगा, ठीक है, टू ए माइनस ए इज प्लस ए, बी माइनस सी वैसे ही रहेगा, माइनस ए वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस टू बी प्लस बी विल गिव मी माइनस बी। इसको मैं माइनस कॉमन निकाल कर ए प्लस बी प्लस सी लिख सकती हूँ, यस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जीरो। इसको अरेंज करके ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, यस, तो ए प्लस बी प्लस सी, और इसको माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो मैं यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकती हूँ ये रो से, यस, तो मुझे क्या मिलेगा, टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू डिटर्मिनेंट में क्या मिलेगा, वन ए बी जीरो वन माइनस वन, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे साइन, तो माइनस वन ए प्लस टू बी प्लस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है इसको भी जीरो बनाएंगे। जीरो कैसे बनाएंगे, यूजिंग आर वन, क्यों, वन माइनस वन जीरो होगा और ये ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, और सी प्लस ए प्लस टू बी है, टू बी में से बी निकालूंगी तो मुझे बी आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री माइनस आर वन, ठीक है, आर वन यूज करके हम इसको वो करेंगे। विल बी द नेक्स्ट स्टेप इम्प्लाइज टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, वन ए बी, आर टू चेंज हुआ नहीं तो हम लोग को वो वैसे ही रहेगा। वॉट इज आर थ्री, आर थ्री को हम लोग चेंज कर रहे हैं, वॉट इज माई आर थ्री, वन ए सी प्लस ए प्लस टू बी माइनस आर वन, वॉट इज आर वन, वन ए बी, और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, वन माइनस वन जीरो, ए माइनस ए जीरो, सी वैसे ही रहेगा, प्लस ए वैसे ही रहेगा, टू बी माइनस बी विल गिव मी प्लस बी, ठीक है। तो क्या मिला है मुझे, जीरो जीरो, व्हाट इज दिस, प्लस ए प्लस बी को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस, ठीक है। तो मैं यहाँ ये कंप्लीट रो में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकती हूँ, एनी हाउ ये तो जीरो है, तो मैं यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकती हूँ, हाँ, तो इट विल गिव मी इम्प्लाइज टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, वन ए बी जीरो वन माइनस वन जीरो जीरो वन, ठीक है, ये हम लोग का डिटर्मिनेंट आ गया है। अब डिटर्मिनेंट भी सिंपल हो गया है और हम लोग का जो रिक्वायर्ड था वो भी ये वैल्यू आ गया है, तो हम लोग इसको एक बार एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी को टू वैसे ही रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। अब ये डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड कर लेंगे, कैसे, वन इंटू वन, वन इंटू वन वन, माइनस जीरो इंटू माइनस वन इज जीरो, माइनस ए इंटू ए के रेस्पेक्ट का रो और ए के रेस्पेक्ट का कॉलम डिलीट करेंगे तो जीरो इंटू वन जीरो, जीरो जीरो इंटू माइनस वन जीरो, तो एनी हो ये जीरो हो गया है। प्लस बी इंटू बी के रेस्पेक्ट का रो, बी के रेस्पेक्ट का कॉलम डिलीट करने पर क्या मिलेगा हम लोग को, जीरो वन जीरो जीरो, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, तो इट इज जीरो। हम लोग को क्या मिलेगा, इम्प्लाइज टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इंटू वन माइनस जीरो, वन इंटू वन माइनस वन, वन माइनस जीरो विल गिव मी वन, और ये तो कैसा भी जीरो है, ये भी जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो,
तो हम नहीं लिखेंगे इसको ऐसे ही, 1 into 1 is 1, तो 1 into complete term is the same term, equals to 2 into a plus b plus c whole cube. I hope आपको ये समझ में आया है, we have got the solution. ये जो भी आप transformation कर रहे हैं, जो required चीज़ हम लोग को proof करना है, बस उसको हम लाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. I hope आपको ये समझ में आया है. अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार मेरा वीडियो प्ले करके देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.